अनुपमा के जरिए 3 साल बाद टीवी पर वापसी कर रहे अपूर्व अग्निहोत्री, शाह परिवार में आएगा भूचाल। जी हां दोस्तों, टीवी शो अनुपमा जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च से लेकर अभी तक ये लगातार TRP में नंबर वन रहा है। ये टीवी नंबर वन शो है। दर्शक अनुपमा और वनराज व काव्या के इस ड्रामे को खूब पसंद कर रही है, पर अब इस ड्रामे में तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। बेपनाह टीवी शो के अलावा शाहरुख खान के साथ फिल्म परदेश में दिखे अपूर्व अग्निहोत्री अब अनुपमा में नजर आएंगे। उनका ये रोल काफी दमदार होगा। अपूर्व अग्निहोत्री ने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अपूर्व अग्निहोत्री गुजरात के वापी में अपने रोल की शूटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन के कारण अनुपमा की शूटिंग फिलहाल वहां चल रही है। कहा जा रहा है कि अपूर्व अग्निहोत्री शो में अनुपमा के लव इंटरेस्ट के रोल में नजर आएंगे, पर ऐसा नहीं है। अपूर्व अग्निहोत्री ने कहा, मेरा किरदार अनुपमा और शाह परिवार की लाइफ में कुछ मजेदार उतार चढ़ाव लेकर आएगा। मैंने इस रोल को करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि ये काफी अलग है, इसमें कई लेयर्स है। इस किरदार की पर्सनालिटी के कई शेड्स है जो शो की कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ बाहर आएंगे। अपूर्व अग्निहोत्री अनुपमा के जरिए 3 साल बाद टीवी पर वापसी कर रही है और काफी एक्साइटेड है। वह बोले, इस शो के जरिए मैं 3 साल बाद टीवी पर वापसी कर रहा हूँ। जब मुझे अनुपमा ऑफर किया गया था तो मैंने इसे मना नहीं किया। आखिर मैं इतने अच्छे मौके को हाथ से कैसे जाने देता। राजन शाही टीवी के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है, ऐसे में ना कहने का तो सवाल ही नहीं था। वेल, हम भी बहुत एक्साइटेड है आपको शो में देखने के लिए। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।